इस बार फेस्टिवल्स पे मिठाई के साथ में कुछ नमकीन हो जाए तो दो तरह के काजू, एक रोस्टेड और दूसरा फ्राइड, दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह की रेसिपी हैं। तो चलिए मिलके बनाते हैं। कैसे हुए मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शैबूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनर्स किचन में। रोस्टेड सॉल्टेड काजू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम काजू लिया है। ये साबुत काजू है, मतलब कि पूरा टुकड़ा नहीं है। और काजू की पहचान ये होती है कि सबसे पहले इसको खा के देखिए, इसके अंदर अगर किसी तरह का कड़वापन आता है तो हमको ये इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अंदर एक सफ़ेदी होनी चाहिए, मटमैला कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और स्मेल करके देख लीजिए इसको, किसी तरह की भी अगर आपको स्मेल आ रही है तो माल आपका पुराना है या फिर कोल्ड स्टोरेज का है, तो हमको ऐसा काजू नहीं लेना है। तो यहाँ पर लिया है पानी और ये रहा काजू। पानी में थोड़ा सा डालना है हाथ और इस तरह से हल्के से छींटे मारने हैं और इनको हल्का सा गीला करना है। हल्का सा मतलब हल्का सा, ज़्यादा मत डाल देना। इस तरह से छींटे मारिए। मुश्किल से आधा चम्मच मैंने यहाँ पे पानी डाला है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डाला। पानी डालने का रीज़न ये है कि इसमें हल्की सी नमी आ जाएगी और नमी की वजह से जब हम इसको गर्म करेंगे तो हल्का सा नमक अंदर की तरफ चला जाएगा। तो चलिए अब फटाफट से काजू को रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिया एक फ्राई पैन और इसमें डाल रहे हैं नमक। और ये कौन सा नमक है, इसका इस्तेमाल मैं कई बार कर चुका हूँ रोस्टिंग करने के लिए कढ़ाई या कुकर के अंदर, वही नमक है। इसका आप बहुत बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लगभग आधा किलो के आसपास नमक है और इस नमक में जाएगा हमारा काजू। आँच रहेगी मीडियम टू लो और धीरे 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 करके को हम रोस्ट करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, जो नमक नहीं खाते हैं वो कैसे करेंगे? भाई उसके लिए बजरी या फिर रेत, जिसको बोलते हैं दानेदार, उसका इस्तेमाल किया जाता है। धोकर मतलब अच्छी तरह वॉश करके रेत को इस तरह से भुना जा सकता है नमक की जगह। नमक हटा लीजिए और रेत डाल दीजिए। इसको ज़्यादा स्टर नहीं करना है, इस तरह से हल्का हल्का बीच बीच में, क्योंकि काजू टूटने लग जाएगा अगर आप ज़्यादा स्टर करेंगे तो। तो यहाँ पर लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हल्का हल्का सा गुलाबी कलर इनमें चढ़ने भी लग गया है। तो अब क्या करना है, गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि जो बजरी और नमक होता है ना वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। जो हीट है उस वजह से भी ये धीरे धीरे करके होते रहेंगे। जितना कलर आपको चाहिए उतना आप इसको कर सकते हैं, बस काला मत करना। और जब बजरी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो थोड़ी देर इसको लगातार स्टर करना। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद भी मैंने लगभग 2 से 3 मिनट और भुना है इसको। और अब इसको क्या करेंगे, सीधे स्ट्रेनर में डालेंगे। तो नमक सहित हम काजू स्ट्रेनर में डाल देते हैं। अब यहाँ सारा नमक नीचे चला जाएगा और काजू काजू ऊपर रह जाएगा। और ये देखिए कितना प्यारा कलर इसमें आया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है, बहुत अच्छी खुशबू भी यहाँ पे आने लग गई है। अब इसको खा के देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि नमक बिल्कुल परफेक्ट है तो मसाले में नमक नहीं डालेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें नमक लगा हुआ है, सेटिंग से निकला नहीं है, तो आप किसी कपड़े का इस्तेमाल करके उसको हल्के हाथों से रब कीजिए तो ऊपर का नमक भी पूरी तरह से निकल जाएगा। वैसे मेरा तो पूरा निकल चुका है, मुझे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे लगाएंगे मसाला, लेकिन मसाला ऐसे नहीं लगाएंगे। चलिए आधा बड़ा चम्मच बटर, बटर की जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल्ट करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। 1/4 छोटी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच कच्चा जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच के आसपास अमचूर पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच फ्रेश काली मिर्च। और देखिए बटर जल नहीं रहा है, सिर्फ मेल्ट हो रहा है, गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर रखी है मैंने। 1 छोटा चम्मच ड्राई मिंट पाउडर, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे और एक फ्लेवर बन जाता है। अगर नमक डालना चाहें तो काला नमक थोड़ा सा डाल सकते हैं नाम का। सभी मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पे बटर के साथ में मिक्स कीजिए। मुश्किल से 30 सेकंड हमको ऐसा करना है, इतनी देर में मसाले हमारे पक जाएंगे। आप चाहें तो हल्का सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और ये गए हमारे काजू जो हमने पहले से रोस्ट किए हुए थे। काजू को मसालों के साथ में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देता हूँ मैं, क्योंकि काजू ऑलरेडी रोस्टेड है, मसाला भी पक चुका है, बस मसालों को मिक्स करना है। तो मसाला काजू यहाँ पे ठंडा भी हो गया है और तैयार भी हो चुका है। और दिखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना खाने में मज़ेदार है, क्योंकि मसाला अच्छी तरह से कोट हो चुका है इस पर। आप इसको स्टोर कर सकते हो 2 से 3 महीने के लिए किसी भी जार के अंदर। इसको अच्छी तरह से टाइट बंद कर दीजिए। 2 फायदे होंगे, एक तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, दूसरा चलते फिरते हम खाते नहीं रहेंगे, हमारे हाथों से भी बच जाएंगे मेहमानों के लिए। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। अब बनाने जा रहे हैं हम बेसन वाले फ्राइड काजू। तो यहाँ पे 4 बड़े चम्मच हमने बेसन का इस्तेमाल किया है, जिससे हम पकौड़े कड़ी बनाते हैं वही वाला बेसन है। बहुत ज़्यादा बेसन इस्तेमाल नहीं करना है, वरना कोटिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी, और जब कोटिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो खाने में मज़ा नहीं आता है। 4 बड़े चम्मच के अंदर 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, ज़्यादा कुरकुरा करने के लिए।
ऑप्शनल है लेकिन डालेंगे तो मज़ा आएगा। क्रश साबुत धनिया आधा छोटा चम्मच, क्रश जीरा है आधा छोटा चम्मच, क्रश पतली वाली सौंफ आधा छोटा चम्मच, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, और अजवाइन को हाथों से हल्का सा रब कीजिए, खुशबू तेज आती है। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, काली मिर्च हमेशा फ्रेश कूट के डाली जाती है। बेसन गया है तो बेसन का दोस्त मतलब कि हींग एक चौथाई छोटी चम्मच, नमक रहेगा स्वाद अनुसार, हल्की सी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा ना डालें कालापन आता है, दो तीन चुटकी हल्दी। सभी ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यहाँ पे। अब इस ड्राई बेसन के अंदर हम डाल रहे हैं यहाँ पे काजू 250 ग्राम, दो चुटकी मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, बेसन ड्राई ना लगे कुरकुरा हो जाए उसके लिए हम डाल रहे हैं। सबसे पहले तो इसको ऐसे मिक्स कर लीजिए ड्राई काजू को बेसन के साथ में। अब डलेगा पानी, पानी के छींटे मारने हैं इस तरह से, और हल्के हाथों से करना है जिसकी वजह से काजू टूटेगा नहीं, बेसन हार्ड ना हो जाए। तो यहाँ पे गरम तेल डाल रहे हैं एक बड़ा चम्मच, और दूसरा फ़ायदा ये होगा आसानी से ही अलग अलग भी हो जाएगा ये। अब ध्यान से देखिए तो बेसन की कोटिंग अच्छी तरह से हो चुकी है इस पर, लेकिन काजू का शेप साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब फटाफट से फ्राई कर लेते हैं, हाथों को हल्का सा मैंने गीला कर लिया है। अब डाल रहे हैं सीधे हम तेल के अंदर, और बिल्कुल पास में से डालना है, तेल मीडियम हॉट रहेगा जैसे पकौड़े बनाते हैं सेम, ठंडा नहीं होना चाहिए वरना बेसन की कोटिंग उतर जाएगी, और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए वरना कलर जल्दी आ जाएगा। और कोशिश कीजिए कि ये खुल जाए, हाथों से खोल दीजिए इनको, तेल के पास में से डालिए और किनारे से डालिए तो छींटे नहीं आएंगे आपके हाथों पे। जब हल्की सी कोटिंग आ जाए मतलब हल्का सा टाइट हो जाए बाहर की सरफेस, उसके बाद ही टच करते हैं, जो आपस में चिपक गए उनको कोशिश कीजिए कि निकल जाए। एक बहुत ही अजीब सी बात आपको बताऊं, अगर आप इसको डायरेक्ट फ्राई करते हैं काजू को, अगर तेल में डायरेक्ट फ्राई करेंगे तो गैस की फ्लेम कम रहती है, तेज़ नहीं रहनी चाहिए क्योंकि काजू अंदर से कच्चा रह जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कोटिंग लगा रखी है तो काजू को जलने नहीं देगा ये बेसन। तो यहाँ पे इसको अच्छा सा कलर आने में लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं। हल्दी और मिर्च पाउडर का इस्तेमाल हमने कम से कम किया है, अगर ज़्यादा करते हैं तो कालापन आ जाता है इसके अंदर। बहुत ही शानदार कलर आ चुका है और सभी काजू अलग अलग दिख रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि जुड़े हुए हैं तो इस तरह से हल्का सा जंप कीजिए इसमें आराम से, लेकिन तेल के छींटे ना आए तो जो चिपके होंगे आपस में वो निकल जाएंगे। अब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरे वाले काजू भी फ्राई हो चुके हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा फ्राई मत कर देना वरना अंदर से जलने लग जाएंगे।